हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनालॉग सर्किट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन एंड मॉडल्स। तो इसके लिए हमने दो सर्किट बनाए हैं, एक सर्किट ए है, एक सर्किट बी है। तो देखिए, एक सर्किट ए है, एम्पलीफायर सर्किट है, और एक सर्किट जो है हमारी जो है बी है, ये डीसी एनालिसिस के लिए सर्किट है। क्योंकि इसमें क्या किया गया, देखिए एसी सिग्नल क्या किया गया, शॉर्ट कर दिया गया, वो जीरो कर दिया गया। ये जो सर्किट है इसमें क्या होता है, एसी सिग्नल डीसी के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोज किया गया। और देखिए यहाँ आईसी और ये आईवी और ये आईई क्या है, इंस्टेंटेनियस कलेक्टर करंट और ये बेस करंट और ये इमीटर करंट और ये क्या है, बेस इमीटर वोल्ट और ये क्या है, कलेक्टर बेस वोल्ट। बेसिकली इसमें क्या है, ये जो है सफिक्स कैपिटल लिया और जो है जो आई क्या लिया वो स्मॉल लिया। इसी प्रकार एसी करंट के लिए दोनों क्या लिए, जो है ये भी स्मॉल में लिया और दोनों क्या लिए, वो सफिक्स जो है वो स्मॉल में लिए। इसमें क्या है, जो इसमें कैपिटल वी के लिए जो है डीसी के लिए क्या है, वो कैपिटल वी और ये स्मॉल वी सफिक्स में लिया है। तो हम सबसे पहले इसके लिए कंडीशन लिख लेते हैं, जो डीसी के लिए जो कंडीशन होगी आईसी बराबर, तो इक्वेशन लिखेंगे आईसी बराबर ये होते हैं आई एस ई की पावर कैपिटल वी ई अपॉन वी टी, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार आई ई बराबर क्या होता है, आई सी अपॉन अल्फा, इक्वेशन सेकंड। और ये आई वी बराबर होता है आई सी अपॉन वीटा, ये इक्वेशन थर्ड। और ये वी सी ई, वी सी के लिए क्या होगा, इसमें वी सी किसके बराबर होगा, ये कैपिटल वी सी के बराबर होगा, क्योंकि इमीटर वोल्टेज क्या होगा इसमें जीरो होगा, ये होगा वी सी सी माइनस का ये कैपिटल आई सी और इंटू आर सी। ये चार इक्वेशन किसके लिए लिखी गई, डीसी एनालिसिस के लिए, जब क्या होता है एसी सिग्नल क्या कर देते हैं शॉर्ट, ये बी फिगर के लिए ये लिखी गई हैं। अब लिखेंगे इंस्टेंटेनियस जो है कलेक्टर करंट, वोल्टेज करंट और ये इमीटर करंट, क्योंकि इन्हीं की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इंस्टेंटेनियस जो हमारी कलेक्टर जो हमारी वेस वोल्टेज जो होगा, तो स्मॉल कैपिटल वी सफिक्स लिया जाएगा बराबर ये डीसी वोल्टेज प्लस स्मॉल वी वोल्टेज होगा, ये इंस्टेंटेनियस बेस टू इमीटर वोल्टेज होगा, इसे इक्वेशन लिख देंगे फाइव। इसी प्रकार आईसी के लिए ये स्मॉल लेटर में और सफिक्स क्या होगा, कैपिटल लेटर में, ये कैपिटल आई सी प्लस ये स्मॉल आई सी, ये इक्वेशन सिक्स होगी इसके लिए, जो आई सी इंस्टेंटेनियस लिए गए। इसी प्रकार आई वी होगा कैपिटल आई वी प्लस स्मॉल आई वी, इक्वेशन सेवन। इसी प्रकार कैपिटल आई ई बराबर और ये स्मॉल आई ई प्लस आई ई, ये इक्वेशन नंबर एट। तो एक्चुअली हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी इस सिग्नल, क्योंकि हमें इसके ही करना है, इसी का निकालना है कलेक्टर करंट और ट्रांसकंडक्टर एम्पलीफायर सर्किट के लिए। अब हम फाइंड करेंगे द कलेक्टर करंट एंड द ट्रांसकंडक्टर, बेसिकली हमें एसी और जीएम फाइंड करना है। तो देखिए इसके लिए हम इस सर्किट के लिए जो है एम्पलीफायर सर्किट के लिए, तो जो हमने पहले डीसी लिखी थी कलेक्टर करंट, वो आईसी बराबर क्या होती है आई एस एच एस ई की पावर कैपिटल वी ई अपॉन वी टी, ये था डीसी के लिए इक्वेशन फर्स्ट थी। और जो वी वी, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वी वी पे, तो हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। अब हम क्या इंस्टेंटेनियस यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और यहाँ क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस करंट। तो जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होगा स्मॉल वी ई स्मॉल कैपिटल वी ई बराबर ही होगा डीसी वोल्टेज प्लस एसी वोल्टेज, तो ये वैल्यू, और इसके लिए क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, तो ये आई कैपिटल सी बराबर ये आई एस इंटू एक्सपोनेंशियल ये कैपिटल वी ई प्लस स्मॉल वी ई अपॉन वी टी, तो ये हमने यूज कर ली इसकी बेसिस पे। तो जैसे इसमें क्या एक्सपोनेंशियल वाला नियम लगाएंगे, तो इंस्टेंटेनियस कलेक्टर करंट बराबर हो जाएगा आई एस ई की पावर कैपिटल वी ई
अपॉन वी टी इंटू ई की पावर स्मॉल वी ई अपॉन वी टी। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, कैपिटल आई हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस कलेक्टर करंट बराबर ये क्या हो जाएगा डीसी करंट इंटू ई की पावर वी ई अपॉन वी टी। क्योंकि ये क्या है, एक्सपोनेंशियल नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपोनेंशियल है, तो जो हमारा स्मॉल सिग्नल जो है एनालिसिस करते हैं वो किस में लीनियर के लिए करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन होगी, देखिए जो एक्सपोनेंशियल कर्व होता है ये इस तरीके से होता है, वन और ई की पावर एक्स, वाई और एक्स। तो हमें क्या लीनियर के लिए कंडीशन करनी है, लीनियर सिग्नल कब देगा ये हमें, ये जब हमारा एक्स लेस देन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू वन के बराबर होगा, तब हमारा ये क्या होगा कर्व लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला एक्सपोनेंशियल कर्व, जब ये कंडीशन हम सेटिस्फाई करा देंगे। तो इसमें भी हम यही कहीं ऐसे क्या मान लेंगे एक्स, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए हमें क्या अप्रोक्सीमेशन, तो ये हमारा क्या होगा अप्रोक्सीमेशन होगा, तो अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं, तो स्मॉल वी ई लेस लेस देन वी टी, तो ये हमारा क्या है अप्रोक्सीमेशन है। तो जैसे ही हम इस पर लगाएंगे तो ये वाला टर्म क्या लिख लिया जाएगा, वन प्लस एक्स के रूप में लिखा जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस कलेक्टर करंट बराबर ये आई सी, ये वन प्लस स्मॉल वी ई अपॉन वी टी। इस आई सी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल आई सी प्लस स्मॉल वी अपॉन वी टी और ये आई सी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई अप्रोक्सीमेशन लगा के। ये हमें याद रखना ये अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि इसी अप्रोक्सीमेशन पे ये आएगा, इससे पहले नहीं आ सकता, क्योंकि क्या है ये नॉन लीनियर कंस्ट्रक्ट, नॉन लीनियर पे तो लगता नहीं है इस बार सिग्नल, किस पे लगता है लीनियर पे लगता है। तो लीनियर के लिए क्या हमें अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, क्या स्मॉल वी वी लेस देन वी टी। तो जो हमारी इंस्टेंटेनियस करंट थी वो मैंने बताया थी ऑलरेडी, क्या है एसी करंट प्लस डीसी करंट होती है, जो इंस्टेंटेनियस करंट होती है वो हमारी क्या होती डीसी करंट प्लस एसी करंट। तो दोनों से कंपेयर करा, एसी करंट क्या हमारी ये होगी, तो ये आई सी बराबर स्मॉल वी ई अपॉन वी टी इंटू आई सी। तो इसको हम लिख लेंगे स्मॉल आई सी, ये स्मॉल आई सी है सॉरी, बराबर ये आई सी कैपिटल आई सी अपॉन वी टी इंटू स्मॉल वी। तो ये रिलेशन आ गया, तो इसको क्या ले लेंगे आई सी अपॉन वी टी, क्या होता है ये जी एम होता है, ट्रांसकंडक्टेंस होता है, एसी करंट बराबर ये जी एम इंटू वी ई। तो हमारी एसी करंट आ गई, वो क्या आ रही प्रोडक्ट और जी एम ट्रांसकंडक्टेंस इंटू बेस एमिटर वोल्टेज, कौन सा एसी वोल्टेज जो हमने अप्लाइड किया था। इसी प्रकार जो जी एम आ गई हमारी वो क्या होगी आई सी अपॉन वी टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है और यही प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा कि, तो आप इसे ऐसे ही प्रूफ करेंगे। तो देखिए जी एम हमारे किस पर डिपेंड कर लिए आई सी पे, और बी टी, बी टी किस पर टेम्परेचर पर डिपेंड करता मेनली के लिए क्या है जो ये क्या हमारा इंटरनल पैरामीटर है एसी। तो देखिए जो ट्रांसकंडक्टेंस निकल के आया तो जी एम किसके प्रोपोर्शनल है आई सी के, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके वी टी के, वी टी क्या होता है 25 मिली वोल्ट या 65 मिली वोल्ट टेम्परेचर पर डिपेंड करता। तो बेसिकली जो हमारा जी एम आई सी पर डिपेंड है डी सी मतलब
डीसी वैल्यू पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना है पॉइंट को। तो जो जीएम होता है वो बीजेटी का बहुत ज़्यादा हाई होता है, बीजेटी का क्या होता है वो लार्ज होता है, यहाँ लिख लेते हैं बीजेटी और ये मॉसफेट, इसका क्या होता है लार्ज होता है, इसके कंपेरिजन क्या होता है ये लेस होता है। कहने का मतलब जीएम की वैल्यू बीजेटी में ज़्यादा होती है और मॉसफेट में क्या होती है वो कम होती वैल्यू कंपेरिजन में किसके बीजेटी के। तो हम लिख सकते हैं जीएम बीजेटी इज ग्रेटर देन जीएम मॉसफेट। यदि हम आईसी बराबर 1 mA मान लें तो जीएम की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1 mA अपॉन ये मान लेंगे 25 mV, तो ये 40 mA की जो है मिली एम्पियर प्रति वोल्ट हमें जो है वैल्यू देगा। तो देखिए इसे हम कर्व से भी फाइंड कर सकते हैं, जीएम बराबर डेल आई सी अपॉन डेल वीई। तो देखिए ये वाला पॉइंट ज़्यादातर पूछा जाता है कंपटीशन का कि बीजेटी का जीएम, इसी कारण क्या होता है मॉसफेट का जो है एम्पलीफायर गेन क्या होता है कम होता है, इसका क्या होता है ज़्यादा होता है, ये फार्मूला हमें याद रखना। तो ये आईसी हमें जो एसी कंपोनेंट हमें दिखा रही है कि क्या दर्शा रही है कि हमारा जो आउटपुट पे क्या होगा वो एक हमारा क्या होगा डिपेंडेंट सोर्स होगा, वो कैसा होगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा, इस तरीके से मैं यहाँ दर्शा देता हूँ। ये जी एम बी वी यही तो आईसी है, ये आउटपुट पे होगा, तो ये दर्शा रहा है कि ये इनपुट पे जो है हमारा क्या है बी वी जो वोल्टेज होगा वो डिपेंड कर रहा है, ये आई सी हमारे क्या है ये कंट्रोल हो रही क्या इनपुट वोल्टेज वी वी पे। अब हम निकालेंगे, तो हम बेस करंट एंड इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस निकालेंगे, तो इसके लिए हमें क्या निकालना, तो बेस करंट के लिए एक्सप्रेशन निकालना होगा, तो इंस्टेंटेनियस जो बेस करंट होगी स्मॉल कैपिटल आई वी बराबर ये होगा इंस्टेंटेनियस कलेक्टर करंट अपॉन वीटा। तो ये हमने निकाली है इंस्टेंटेनियस अप्रोक्सीमेशन से, तो ये थी आई सी कैपिटल आई सी प्लस वी वी अपॉन वी टी इंटू कैपिटल आई सी अपॉन वीटा। तो इससे वीटा से भाग कर देंगे, तो आई सी अपॉन वीटा प्लस ये वी वी इंटू आई सी अपॉन वीटा अरे वी टी इंटू वी टी, तो इंस्टेंटेनियस जो ये हो जाएगी ये कैपिटल आई वी प्लस स्मॉल आई वी का, तो स्मॉल आई वी और इससे क्या करा देंगे कंपेरिजन करा देंगे। तो देखिए तो ये स्मॉल आई वी बराबर ये कैपिटल आई सी अपॉन वी टी इंटू एक अपॉन वी टी इंटू स्मॉल वी वी, क्योंकि ये हमें ए सी ये ए सी है और ये ए सी ये क्या है डी सी वोल्टेज है डी सी पैरामीटर्स हैं, ये ए सी और वी टी और ये करंट के, तो ये तो हमने निकाला था ये क्या है जी एम, तो ये आई वी बराबर ये जी एम अपॉन वी टी इंटू का वी वी, तो ये इक्वेशन है स्मॉल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस स्मॉल सिग्नल इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन वेस एंड इमीटर लुकिंग इनटू बेस। तो ये जो हमारा जो निकल के आगे बेसिकली ये बेस और इमीटर की भी इनपुट रेजिस्टेंस होगा, तो हम लुक किसके की तरफ कर रहे हैं बेस की तरफ कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे तो ये आर पाई जो है इनपुट रेजिस्टेंस होगा ये स्मॉल वी वी अपॉन स्मॉल आई वी, तो ये हमें याद रखना। तो ये यहाँ से निकाल लेंगे रिलेशन जो आएगा
तो ये वी वी अपॉन आई वी बराबर हो जाएगा स्मॉल जी एम और ये अपॉन बीटा, और ये क्या है, सॉरी यहाँ से ये जैसे निकालेंगे ये वी वी अपॉन आई वी बराबर बीटा अपॉन जी एम, ये क्या हो गया आर पाई, तो आर पाई बराबर बीटा अपॉन जी एम। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर, ये क्या होगा इनपुट रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमिटर जो आर पाई है, तो वीटा अपॉन जी एम होता है, इसे याद रखना। तो वीटा बराबर क्या होता है जी एम इंटू आर पाई, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, गेट में भी पूछा गया था, मुझे याद नहीं किस सन में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो देखिए जी एम की वैल्यू रख देते हैं, तो जो है आर पाई बराबर ये वीटा अपॉन ये आई सी अपॉन वी टी बराबर ये वीटा टाइम्स वी टी अपॉन आई सी। तो ये देखिए जो भी ये इंटरनल पैरामीटर निकल के आ रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, डीसी पे वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं आई सी और वी टी। तो ये देखिए आर पाई किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आई सी के, अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी। और आर पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई सी। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, आर पाई किस पे बीटा अपॉन जी एम, आर पाई बराबर बीटा वी टी अपॉन आई सी, क्या है डीसी वैल्यूज है, तो आर पाई बराबर वी टी अपॉन आई वी, आर पाई बराबर ये हमारे जो है इस पे जो है गेट पे सवाल पूछा गया था। तो देखिए गेट पे ये क्वेश्चन पूछा गया 3.35 2001 में इसी कॉन्सेप्ट पे, द करंट गेन ऑफ बीजेटी इज, ऑप्शन ए जी एम आर नॉट, ऑप्शन बी जी एम अपॉन आर नॉट, ऑप्शन सी जी एम आर पाई, ऑप्शन डी जी एम अपॉन आर पाई। तो देखते हैं 3.35 का आंसर, तो जो करंट गेन होता है वो जी एम, तो आर पाई जो हमारा होता है वो होता है बीटा अपॉन जी एम, इसी को क्या बोलते हैं करंट गेन ऑफ बीजेटी, गेन ऑफ वी जे टी। तो वीटा बराबर क्या आ जाएगा जी एम इंटू आर पाई, ये आ गया। तो हमें ये याद रखना है कि ये करंट गेन होता है जी एम अपॉन आर पाई, तो इसमें ऑप्शन सी हमारा क्या होगा वो करेक्ट होगा। हम जो भी वीडियो बना रहे हैं वो ना, ये देखिए दोनों पर्पज़ के लिए, एक कंपटीशन के लिए भी और आपके जो है एग्ज़ाम जो भी यूनिवर्सिटी है दोनों में ही काम करेगा, ऐसा नहीं कि आप यूनिवर्सिटी के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ चीज़ हर चीज़ छोड़ दे रहा हूँ, नहीं मैं जो भी पढ़ाऊँगा दोनों के लिए ही काम आएगा। तो देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और रहती है, जैसे कि अगर हम बीटा इज ग्रेटर ग्रेटर देन वन ले लेते हैं तो ये क्या होता है जी एम आर पाई इज ग्रेटर ग्रेटर देन वन हो जाएगा, तो आर पाई इज ग्रेटर देन एक अपॉन जी एम, इसे याद रखना, बहुत ही ज़्यादा ये अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है जब जो है हम एनालिसिस करते हैं, आर पाई की वैल्यू हमेशा वन अपॉन जी एम से क्या होगी वो ज़्यादा होगी जी एम से, ये इम्पोर्टेंट है अप्रोक्सीमेशन जब एनालिसिस करेंगे। देखते इसी कॉन्सेप्ट एक और सवाल पूछा गया कि 3.61 गेट में पूछा गया था, ये 2012 में पूछा गया था वन मास्टर, द करंट आई वी थ्रो द वेस ऑफ द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर एन पी एन इज 1.01 कॉस 10,000 पाई टी मिली एम्पियर एट 300 केल्विन, द आर पाई ऑफ द स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ द ट्रांजिस्टर, ये हमें जो है मॉडल दे रखा है इसके आर पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन फिगर, तो 3.61 का मान लीजिए हमें एग्जांपल नंबर 2 मान लेते हैं, तो ये हमारे पास आई वी दे रखी थी इंस्टेंटेनियस है, ये 1+0.1 कॉस 10,000 पाई टी और ये मिली एम्पियर के रूप में, तो आर पाई की वैल्यू फाइंड करनी है इससे हमें, ये देखिए ये दे रखा था स्मॉल सिग्नल मॉडल
ये आर नॉट, ये सही, और ये बेस, और ये आई वी जा रही, और ये आर पाई। तो हमने पहले ही बताया आर पाई निकालने के लिए यहाँ आई वी दे रखी है। तो जो आर पाई होती है वो क्या है, डीसी वैल्यू पर डिपेंड करती है, ना कि एसी वैल्यू पर। तो देखिए ये क्या होगी, डीसी वैल्यू होगी, ये डीसी कंपोनेंट होगा आई वी, और ये क्या होगा प्लस ये स्मॉल एसी कंपोनेंट होगा, एसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो आर पाई बराबर क्या होता है, ये वीटा अपॉन जीएम होता है। तो ये वीटा अपॉन जीएम की वैल्यू रख देते हैं आईसी अपॉन वीटी, तो ये वीटी ऊपर चला जाएगा, वीटा वीटी अपॉन जीएम। अब यहाँ पे तो सॉरी आईसी, अब यहाँ पे आईवी दे रखा, तो इसे हमें आईवी में बनाना। तो ये वीटा और वीटी अपॉन आईसी अपॉन वीटी कर देंगे, वीटा कर देंगे, तो ये वीटी अपॉन ये क्या हो जाएगा आईवी। तो आईवी की वैल्यू क्या दे रखी है, 1 मिली एम्पियर। तो आईवी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर दे रखी, तो वो यहाँ रख देंगे। तो आर पाई बराबर ये 25 मिली वोल्ट अपॉन ये 1 मिली एम्पियर। तो ये 1 से 1 कट जाएगा, ये 25 ओम रह जाएगा। तो कितना आएगी वैल्यू, 25 ओम। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो सी ऑप्शन सही होगा। देखिए इसी कॉन्सेप्ट पे जो है यूज किया गया, जो मैंने यहाँ डिस्कस किया है कि आर पाई कैसे निकाला गया। ये देखिए क्या सब डीसी वैल्यू पे है, ना कि एसी वैल्यू पे जो है डिपेंड कर रहा है। थर्ड में निकालेंगे इमीटर करंट एंड द इनपुट रेजिस्टेंस एट द इमीटर। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस इमीटर करंट बराबर इंस्टेंटेनियस कलेक्टर करंट अपॉन आई सी, और ये होता है कैपिटल आई सी प्लस स्मॉल आई सी मतलब ए सी कंपोनेंट अपॉन अल्फा। तो ये आई सी अपॉन अल्फा प्लस स्मॉल आई सी अपॉन अल्फा। तो ये इंस्टेंटेनियस जो मीटर करंट होगी कैपिटल आई ई प्लस स्मॉल आई ई होगा। तो ये किसके बराबर होगा, आई सी। तो स्मॉल आई ई बराबर हो जाएगा स्मॉल आई सी अपॉन अल्फा। तो हमने ए सी वैल्यू निकाली थी, तो स्मॉल आई मतलब ए सी वैल्यू ऑफ मीटर करंट जो हो जाएगा वो जी एम स्मॉल वी ई अपॉन अल्फा। और चूँकि वी वी ई अपॉन स्मॉल आई ई बराबर क्या होता है, ये आर ई होता है मीटर रेजिस्टेंस एट मीटर टर्मिनल, एट मीटर टर्मिनल। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो देखिए ये वी वी ई अपॉन आई ई बराबर हो जाएगा अल्फा अपॉन जी एम। तो ये क्या होगा आर ई, तो आर ई बराबर अल्फा अपॉन जी एम। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हमें याद रखना है। चूँकि हमारा जो ट्रांजिस्टर वो एक्टिव मोड में वर्क करता है, फॉर एक्टिव मोड अल्फा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, 1 होता है। तो जो आर ई होगा वो हमारा क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली 1/gm के बराबर होगा। तो ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है जब एनालिसिस करेंगे, क्योंकि जब इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे बेस का तो ये आ रही। तो आर ई, तो ये देखिए ये तो एसी में था, ये डिफाइन। अब चूंकि ये किस पे डिपेंड करता, डीसी वैल्यू पे, तो देख लेते हैं आर ई बराबर अल्फा अपॉन ये जी एम आई सी अपॉन ये वी टी। तो वी टी को ऊपर ले जाएंगे और ये अल्फा को नीचे लेके आएंगे, तो आई सी अपॉन अल्फा। तो ये हो जाएगा वी टी अपॉन आई कैपिटल आई ई। तो आर ई बराबर ये वी टी अपॉन आई ई। तो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा डीसी वैल्यू पे जो है डिपेंड कर रहा है ये आई ई पे। तो हम इसके फार्मूले लिख लेते हैं, तो आर ई बराबर ये स्मॉल वी ई ए सी अपॉन आई ई बराबर अल्फा अपॉन जी एम बराबर ये वी टी अपॉन आई, और ये अप्रोक्सीमेशन
एक अपॉन जी एम, ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिन्हें याद रखना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये जो है बेसिकली आर ई जो एमीटर होता है, जो रेजिस्टेंस होता है, ये क्या होता है, आर ई जो है, जो होता है स्मॉल सिग्नल रेजिस्टेंस होता है, ये बेस और एमीटर के बीच होता है, ये आर ई रेजिस्टेंस बिटवीन बेस एंड एमीटर, और इसे क्या बोलते हैं, एमीटर रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, एमीटर रेजिस्टेंस। तो हमने कलेक्टर करंट भी निकाल लिया, बेस करंट भी निकाल लिया, बेस इनपुट रेजिस्टेंस भी निकाल लिया, और ये एमीटर करंट भी निकाल ली, और ये एमीटर रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन आर पाई एंड आर ई। तो उसके लिए हम जानते हैं ये वी वी ई स्मॉल वी वी ई बराबर क्या होता है, ये आई वी इंटू आर पाई होता है, और स्मॉल वी वी ई बराबर ये होता है आई ई इंटू आर ई स्मॉल, दोनों इक्वल है, बराबर कर देते तो आर पाई बराबर यहाँ पे इस तरीके लिख देते हैं, तो आर पाई आई वी इंटू आर पाई बराबर आई इंटू आर ई, तो आर पाई बराबर आई ई अपॉन आई वी इंटू आर ई। चूँकि आई ई अपॉन आई वी क्या होता है, ये बीटा प्लस वन होता है, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस वन इंटू आर ई। तो आर पाई बराबर ये बीटा प्लस वन इंटू आर ई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इसका भी बहुत यूज़ किया जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं आर पाई बराबर बीटा प्लस वन इंटू वी टी अपॉन कैपिटल आई ई। इफ़ बीटा इज ग्रेटर देन लार्ज, तो आर पाई बराबर क्या हो जाएगा, ये बीटा इंटू आर ई, ये भी इम्पोर्टेंट है। वॉलस्टेड ने आर पाई जगह क्या लिया, जब भी उन्होंने जो वोल्टेज गेन निकाला वो बीटा इंटू आर ई करके लिया है अपनी एनालिसिस, ये मैं बता रहा हूँ। अब निकालेंगे वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन निकालेंगे आउटपुट रेजिस्टेंस। तो ये देखिए ये वी सी ई जो होगा, जो यहाँ पे जो कलेक्टर टर्मिनल होगा, ये बेसिकली किसके बराबर, वी सी ई किसके बराबर, स्मॉल वी सी ई जो इंस्टेंटेनियस वी सी ई होगा वो किसके बराबर होगा, वी सी माइनस वी ई। ये वी ई वोल्टेज क्या है, ये ग्राउंडेड है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, वी सी माइनस जीरो बराबर ये वी सी वोल्टेज हो जाएगा। तो हमें वी सी ई निकला, वी सी ई इंस्टेंटेनियस लिखना है, तो वी सी ई बराबर क्या होगा, ये कैपिटल वी सी सी माइनस का इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ आई सी इंटू आर सी होगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट किसके बराबर होती है, तो ये कैपिटल वी सी सी माइनस ये कैपिटल आई सी प्लस ये ए सी कंपोनेंट ऑफ आई सी, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी सी सी माइनस का ये आई सी इंटू आर सी माइनस का आई सी इंटू आर सी, ये हो जाएगा स्मॉल वी सी इंस्टेंटेनियस। तो ये हो जाएगा कैपिटल वी सी माइनस का स्मॉल आई सी इंटू आर सी, और ये इंस्टेंटेनियस जो ये वी सी, तो ये कैपिटल ये इंस्टेंटेनियस है, ये डी सी है, ये क्या है ए सी वोल्टेज होगा, तो स्मॉल वी सी बराबर ये माइनस का आई सी इंटू आर सी है। आई सी की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का जी एम टाइम्स ऑफ वी वी ई इंटू आर सी, तो आर सी बदलेंगे तो वी सी बराबर माइनस का जी एम इंटू आर सी इंटू वी वी ई। तो ए वी बराबर ये अप्रॉक्सीमेट आएगा, सॉरी इक्वल टू आएगा माइनस जी एम इंटू आर सी, ये करंट के आगे ए सी।
अब चूंकि हम जानते ए वी बराबर क्या हो जाएगा माइनस आई सी इंटू आर सी अपॉन वी टी। ये आई सी इंटू आर सी क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस के, तो ये किसके बराबर हो गए माइनस का वी सी सी माइनस का वी सी ई अपॉन वी टी के बराबर होगा। तो जो हमारा ए वी करंट गेन निकल के आएगा वो माइनस का आई सी इंटू आर सी अपॉन वी टी होगा, बराबर माइनस का वी सी सी माइनस का वी सी ई अपॉन वी टी। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ए वी इम्पोर्टेंट फार्मूला किस पे, जी एम इंटू आर पे, सॉरी आर सी है। रेजिस्टेंस जो है हमारा जो है कलेक्टर रेजिस्ट और इंटरनल जो पैरामीटर जो निकल के आया है जी एम पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आपकी जो है डी सी बायस कंडीशन पे डिपेंड कर रही है ये वैल्यू। ये अब जब हमें वी सी सी और वी सी दे रखा हो तब हम उससे ये गेन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर थ्री है, ए वी जी टी हैविंग द बीटा बराबर 100 इज बायस एट ए डी सी कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एम आर ई आर पाई एट द बायस पॉइंट। तो सॉल्यूशन, तो जो हमें डाटा दे रखा है वो हम लिखेंगे। तो वीटा बराबर 100 दे रखा है और आई सी बराबर जो है वो डी सी कलेक्टर कर रखे तो मिली एम्पियर। तो हमें सबसे पहले जी एम फाइंड करना है, तो जी एम बराबर होता है आई सी अपॉन वी टी। तो आई सी की वैल्यू देखिए 1 मिली एम्पियर अपॉन वी टी कितना होता है 25 मिली वोल्ट। तो 1 अपॉन 25 चार का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो नीचे हो जाएगा 25 इंटू 4, तो 4 अपॉन ये 100। तो ऊपर 10 का फिर गुणा करेंगे तो ये 40 अपॉन 1 के हो जाएगा। तो ये कितना जाएगा 40 मिली एम्पियर प्रति वोल्ट, क्योंकि ये ट्रांसकंडक्टेंस की ये वैल्यू होती है। जब हमारे पास ये आ गया तो हम आर ई जो है निकालेंगे, तो आर ई बराबर होता है वीटा अपॉन आई करके, या आर ई बराबर 1 अपॉन जी एम होता है। आर ई अप्रोक्सीमेटली किसके होता है 1 अपॉन जी एम, क्योंकि ये 1 अपॉन जी एम, जी एम बराबर होता है आई सी अपॉन बी टी। तो 1 अपॉन ये 1 मिली एम्पियर अपॉन 25 मिली वोल्ट, तो 1 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 25 ओम। तो आर ई बराबर निकल के आएगा ये 25 ओम। आर पाई बराबर होता है वीटा अपॉन जी एम, बीटा की वैल्यू है 100 और जी एम की वैल्यू क्या है निकल के आई 40 या 1/25 लिख लेते हैं आई सी अपॉन वी टी। तो 100 अपॉन आई सी की वैल्यू है 1 मिली एम्पियर अपॉन बी 25 मिली वोल्ट, कोई कोई 26 मिली वोल्ट लेते हैं। तो 100 इंटू 25 अपॉन 1, तो ये 2500, ये 2.5 किलो ओम। तो एक तो बात कंफर्म आ गई थी, आर फाई की वैल्यू हमेशा किससे ज़्यादा होगी आर ई से, और इसकी वैल्यू किससे ज़्यादा होगी जी एम से। आर पाई जो बेस रेजिस्टेंस जो होता है लुकिंग टू वो ज़्यादा होता है इमीटर रेजिस्टेंस। तो ये तो वैल्यू आ गई निकल के। एग्जांपल नंबर 4 है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैंने भी किया है। इन द सर्किट ऑफ फिगर, ये फिगर दे रखा है, मान लेते हैं ये 4.1 है, तो इसमें वी वी एडजस्टेड टू यील्ड ए डी सी कलेक्टर करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर, लेट वी सी सी बराबर यहाँ क्या 15 वोल्ट है, आर सी बराबर दे रखी वैल्यू वीटा बराबर 100, फाइंड द वोल्टेज कैन वी सी अपॉन स्मॉल वी सी वी वी इफ वी वी बराबर 0.05 साइन ओमेगा टी एंड फाइंड द वी सी टी एंड आई वी टी, मतलब इंस्टेंटेनियस कलेक्टर वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस जो है बेस करंट। तो इसका सॉल्यूशन ये, तो देखिए हमें जो दिया है वो हम ले लेते हैं। तो आई सी बराबर दे रखा है इसमें क्या है 1 मिली एम्पियर और वी सी सी बराबर देखा 15 वोल्ट और आर सी बराबर दे रखा 100 किलो और वीटा की वैल्यू दे रखी है ये कितनी 100। तो हमें सबसे पहले फाइंड करना है ए वी बराबर ये वी सी अपॉन वी वी ई की वैल्यू फाइंड करनी है और
जो ये स्मॉल वी वी पॉइंट जीरो फाइव साइन ओमेगा टी, इसे लिख सकते हैं फाइव साइन ओमेगा टी मिली वोल्ट। तो ये हमने लिख लिया वैल्यू, और हमें वी 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 सी टी फाइंड करना है। ये बेसिकली क्या होता है, कैपिटल वी सी प्लस स्मॉल वी सी, इसे फाइंड करना। और ये इंस्टेंटेनियस जो है वेस करंट होगी कैपिटल आई वी प्लस स्मॉल आई वी इंटू टी। तो ये, तो इसके लिए आई वी हमें फाइंड करनी होगी और हमें डी सी फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें डी सी करंट ऑलरेडी दे रखी है, तो वी सी के लिए क्या होगा, इसके लिए सबसे पहले हम डी सी सर्किट बनाते हैं। तो देखिए डीसी के लिए क्या होंगे, एसी वाला जो है सोर्स वो क्या होंगे, हमारा डीएक्टिवेट हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो एसी के लिए ये होगा सर्किट, सॉरी ये गलत वरना, ये ट्रांजिस्टर है, ये ग्राउंडेड है, ये वीसीसी और ये आरसी, और ये इसमें जाएगी करंट, ये आईसी और ये कैपिटल वीवी ये भी कैपिटल वी वी होगा, ये वेस है और ये इमीटर है, सबकी वैल्यू दे रखी। तो वी सी और वी सी ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, वी सी के बराबर होगा। तो वी सी बराबर जो होगा वो वी सी सी माइनस का ये आई सी इंटू आर सी होगा। तो वी सी सी की वैल्यू दे रखी कितनी है, 15 माइनस कैपिटल आई सी की 1 मिली एम्पियर इंटू आर सी की वैल्यू है 100 किलो। तो 15 माइनस 1 ये से ये मिली एम्पियर कट जाएगा, तो ये कितना रह जाएगा, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ कितना है, ये 10K है, यहाँ पे कितना होगा, ये 10K है, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 10। तो ये कैपिटल वी सी जो डी सी वोल्टेज आ गया वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 वोल्ट आ जाएगा डी सी वोल्टेज, जब हमारे पास डी सी आ गया। तो वी सी, तो स्मॉल वी सी जो होता है वो क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ होता है जी एम इंटू आर सी इंटू स्मॉल वी वी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जी एम निकालना होगा। तो जी एम निकालने के जानते हैं, जी एम बराबर क्या होता है, ये आई सी अपॉन वी टी। तो आई सी की वैल्यू दे रखी है कितनी है, ये 1 मिली एम्पियर अपॉन वी टी है 25 मिली वोल्ट। तो ये 1/25, तो ये नियर 40 मिली एम्पियर प्रति वोल्ट आएगा, वो यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो हम स्मॉल वी सी फाइंड कर लेंगे, तो स्मॉल वी सी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का जी एम इंटू आर सी इंटू वी वी। चूँकि वोल्टेज गेन क्या होता है हमारा, ए वी बराबर होता है वी सी अपॉन वी वी ई। तो यहाँ से निकाल लेंगे, तो वी सी अपॉन वी वी ई बराबर माइनस का जी एम इंटू आर सी। जी एम की वैल्यू हमने निकाल ली क्या है, जी एम बराबर 40 मिली एम्पियर प्रति वोल्ट। तो वी सी ये क्या हो जाएगा, ए वी बराबर वी सी अपॉन वी वी बराबर ये हो जाएगा माइनस का 40 मिली एम्पियर प्रति वोल्ट इंटू आर सी वैल्यू से 10 किलो ओम, किलो ओम से कम ये हो जाएगा माइनस का 400 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट। अगर आप यूनिट लिखते तो ठीक, नहीं तो नहीं, माइनस का ये 400 या 400 वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट। तो एक वैल्यू हमने निकाल ली 20। अब हमें ये निकालना है वी सी टी बराबर ये कैपिटल वी सी प्लस स्मॉल वी सी। तो स्मॉल वी सी के लिए तो हमने जो है ये एक्सप्रेशन यूज करेंगे, तो उसके लिए हमें पता ही है, तो वी सी बराबर माइनस का जी एम इंटू आर सी और ये वी वी, सब वैल्यू पता है, माइनस का 40 मिली एम्पियर इंटू 10 के इंटू, और ये वी वी की वैल्यू कितनी है, 5 साइन ओमेगा 2 मिली वोल्ट। तो देखिए यहाँ माइनस का 400 इंटू का 5
साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा 2000 ये मिली, तो 2000 साइन ओमेगा टी मिली, तो ये देखिए मिली वोल्ट, तो ये क्या हो जाएगा मिली और ये क्या हो जाएगा, तो ये वी सी बराबर हो जाएगा -2000 इंटू 10^-3 साइन ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा -2 साइन ओमेगा टी। तो वी सी टी कैपिटल वी सी प्लस स्मॉल वी सी, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू हमने निकाली थी कितनी आई थी, वो 5 आई थी, -2 साइन ओमेगा टी। अब हम आई वी टी निकालेंगे, तो आई वी इंस्टेंटेनियस होता है कैपिटल आई वी प्लस स्मॉल आई वी, तो इसके लिए हमें जो है कैपिटल आई वी की वैल्यू चाहिए और स्मॉल आई वी की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वी वी देखा तो कैपिटल वी वी बराबर ये हम जानते हैं आई सी बराबर वीटा टाइम्स ऑफ आई वी होता, तो आई वी बराबर ये आई सी अपॉन वीटा हो जाएगा, तो आई सी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर अपॉन और बीटा की वैल्यू है 100, तो ये आई वी बराबर कितना आ जाएगा 10 माइक्रो एम्पियर, क्योंकि आई वी माइक्रो में होती है, ऊपर 10 का गुणा करेंगे नीचे 10 का, तो ये हो जाएगा आई वी निकल। अब निकालना है आई वी, तो देखिए आई वी की वैल्यू फाइंड करना, चूँकि क्या दे रखा है ये स्मॉल वी वी दे रखा है कितना 5 साइन ओमेगा टी मिली वोल्ट, चूँकि हम जानते हैं आई वी बराबर होता है आर पाई इंटू वी वी, तो आर पाई बराबर की वैल्यू फाइंड करते हैं वीटा अपॉन जी एम, तो इसकी वैल्यू ये है 100, ये आई सी अपॉन वी टी, तो 100 अपॉन 1 मिली एम्पियर अपॉन 25 मिली वोल्ट बराबर, तो ये कट जाएगा, तो ये 100 इंटू 25 तो ये जाएगा 2.5 के ओम, तो ये आ गया, तो वैल्यू रख देते हैं, तो आई वी बराबर आर पाई इंटू स्मॉल वी वी बराबर 2.5 के ओम इंटू ये 5 साइन ओमेगा टी मिली वोल्ट, तो ये देखिए सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ ये होगा कि आर पाई बराबर होता है वी वी अपॉन वी वी अपॉन आई वी, तो आई वी बराबर हो जाएगा वी वी ई अपॉन आर पाई, तो आई वी फाइंड करना, तो वी वी हमारे पास दे रखा 5 मिली वोल्ट, आर पाई फाइंड करना, तो आर पाई की वैल्यू आर पाई बराबर वीटा अपॉन जी एम, तो ये 100 अपॉन ये होता है आई सी अपॉन वी टी, तो ये 100 अपॉन 1 मिली एम्पियर अपॉन 25 मिली वोल्ट, तो ये 100 इंटू 25 तो ये हो जाएगा 2.5 किलो ओम, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, तो आई वी बराबर हो जाएगा वी वी की वैल्यू है 5 मिली वोल्ट अपॉन 2.5 किलो ओम, तो देखिए ये तो ये जाएगा 2 माइक्रो एम्पियर, तो आगे तो आई वी टी सॉरी इंस्टेंटेनियस जो है बेस करंट कैपिटल आई वी प्लस स्मॉल आई वी, तो कैपिटल आई वी की वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 10 माइक्रो एम्पियर प्लस 2 माइक्रो एम्पी सॉरी साइन ओमेगा, साइन ओमेगा टी 10 माइक्रो एम्पियर प्लस 2 साइन ओमेगा टी माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर को हम लेंगे तो 10 प्लस 2 साइन ओमेगा टी और ये माइक्रो एम्पियर, ये आ गए, तो जो हमारे एसी बराबर वीसी अपॉन वीवीई बराबर ये आ गया -400 वोल्ट प्रति वोल्ट, और वीसीटी बराबर ये आ गया ये 5 -2 साइन ओमेगा टी ये वोल्ट, और ये आईवी वर 10 प्लस 2 साइन ओमेगा टी
ये माइक्रो एम्पियर। तो ये रिजल्ट्स आए जो हमारे क्वेश्चन में थे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।